मध्य प्रदेश चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी फर्जी घोषणाओं के साथ बेटियों बहनों को ठगने के लिए निकले हैं, मगर लाडली बहनें झूठे शिवराज की सच्चाई को जान गई हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रखने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। राज्य से हर दिन बेटियों के साथ बलात्कार अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। हकीकत ये है कि भोपाल में बच्चियों से दुष्कर्म के मामले करीब 9.5% और इंदौर में 33% तक बढ़े हैं। न्याय के मामलों में तो स्थिति और भी खराब है। बच्चियों को 35 से 40% मामलों में ही न्याय मिल पाता है। पिछले 8 महीने में कोर्ट ने बच्चियों से छेड़छाड़, दुष्कर्म और पॉक्सो के मामलों में 66 आरोपियों को सजा सुनाई, लेकिन उनमें से 92 आरोपी अलग अलग कारणों से बरी हो गए। आइए हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति क्या है। उज्जैन में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, वो दर दर की ठोकरें खाती है, मगर उसकी कोई मदद नहीं होती। भोपाल में नशीली चाय पिलाकर एक बेटी के साथ रेप किया गया। रीवा में स्कूल से लौट रही 5वीं कक्षा की छात्रा को रास्ते में रोककर दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। कोलाराम में एक लाडली बहन का उसके पति ने पीट पीट कर कत्ल कर दिया। समझिए, ये सारे मामले हालिया हैं और ये शिवराज सरकार की सच्चाई बता रहे हैं। बीते 18 साल में शिवराज ने लाडली बहनों को सिर्फ वोट बैंक समझा है। वे इतने सालों बाद भी राज्य में महिलाओं और बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार नहीं कर पाए। अब फिर से चुनाव है, फिर से शिवराज लाडली बहनों का वोट ठगने के लिए मैदान में है, मगर इस बार लाडली बहनें शिवराज के झांसे में नहीं आएंगी। इस बार लाडली बहनें अपनी सुरक्षा के मुद्दे पर वोट करेंगी। इस बार लाडली बहनें भाजपा को हराने के लिए वोट करेंगी।